बहुत बहुत स्वागत। सा थोड़ा राम जी को याद कर लें, उनके आशीर्वाद ले लें और फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। शोकाभिरामम रणांगभीरम आजीवनेशम सर्वांशनाथम कारुण्यरूपकरुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं ूतम शरणं प्रपद्ये। Ajay Shiv, can you mute everybody, please, so we can start the तो पहले सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब पधारे, सब बोल रहे हैं, मैं ही नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये धन्यवाद, अपनी पांचवी सभा है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। विशेषकर जो आज पहली बार आए हैं उनका और विशेष स्वागत। तो आप आज पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे ज्ञात थे, पहले दो सत्र में हमने भगवान राम, राम कौन है इस पर चर्चा की थी। उसके बाद में तीसरे सत्र में भगवान राम के नाम पर चर्चा हुई थी। और पिछली बार स्टार्ट वीडियो करते हैं तो हम आना बंद हो जाते हैं जी। ना अभी थोड़े तुम्हारा नहीं, तो सब तो आ रहे हैं ना, देखो ना सब भी आ रही हो। नहीं आ रहे, हम ना कहाँ दिख रहे हैं। नहीं वो तो आप दूसरे स्क्रीन पे होंगे, इसमें किसके कई स्क्रीन है, तीन स्क्रीन है इस समय। स्टॉप स्टार्ट वीडियो है, क्या है स्टार्ट है वीडियो। जब स्टार्ट वीडियो करते हैं तो हम नहीं आते, जब स्टॉप करते हैं तो आते हैं। चलो बस कैसे भी आओ, मतलब तो आने से आ रहे हैं। स्टॉप स्टार्ट कर दो ना। अरे हमने तो आगे बढ़े, एक बार शांति सुन लेना, बस समझ लो बात। जब मैं इसको ये मैं स्टार्ट वीडियो लिखा हुआ है ये, ठीक। अभी तुम इसको म्यूट कर दो। म्यूट कर रहा तो अब ये म्यूट क्रास होता है तो म्यूट। आप शुरू कीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक अगर हम लोग इसमें, इसीलिए हम लोग 15 मिनट पहले शुरू करते हैं ताकि इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो सके। तो मैं बता रहा था कि पिछले तीन सप्ताह, चार सप्ताह में क्या हुआ, तो लास्ट सप्ताह में हमने सीता माता की जन्म जयंती थी तो सीता माता जी पर चर्चा की। तो आज हम लोग राम काव्य पर अनुष्ठान करेंगे। कई कवियों ने अपनी स्वर चित्र कविताएं बोलने का अनुष्ठान किया है आज। तो द रिस्पॉन्स हैड बीन ओवरवेलमिंग। पहले मैं सोच रहा था 10-12 लोग होंगे, 5-5-6 मिनट तो अपना समय ठीक रहेगा, पर वो तो 20-21 हो गए। फिर बाद में कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगानी थी। तो 21 कवि आज काव्य पाठ में शामिल है। तो सबसे पहले मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ जो आज कविता पढ़ेंगे, और इससे ज्यादा मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ जिनको इस आज के प्रसंग में हम शामिल नहीं कर पा रहे। ये बार बहुत कष्ट वाली बात होती है कि कोई पढ़ना चाहता है, कहना चाहता है और उसको हम शामिल नहीं कर पाते। पर ये दोबारा हम इसको फिर करेंगे, राम जी ने चाहा तो तब दे ऑल कैन जॉइन द बोर्ड। सो माय अपोलॉजीज, प्रोफाउंड अपोलॉजीज टू दोज हु आई एम नॉट एबल टू इंक्लूड। तो ये आज का है। और म्यूट एंड म्यूट के तो ये पता ही है कि अब आप लोग सब लोग शांत रहेंगे, जो बस वही जो कविता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और बीच बीच में मैं कुछ बताऊंगा कि मैं ज्यादा कितना ज्यादा विद्वान हूँ। चूंकि 21 कवि हैं, सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एवरीबडी विल टेक 3 मिनट्स नॉट मोर,
and they've all agreed. So we really request and I remind them. Today we have no time to waste at all. क्योंकि जितना भी समय बिगड़ेगा बीच में किसी व्यवधान में or for anything that will be delayed and I really don't like things being delayed. तो सारे कवियों ने मुझे अपना परिचय देखा है सब बड़े बड़े विद्वान हैं कितनी कितनी इन्होंने किताबें लिखी हैं कविताएं लिखी हैं कितनी के प्रकाशित हैं तो उनका अगर मैं वर्णन करवाने जाऊंगा तो हमें दो दिन उनके वर्णन के लिए चाहिए कविताओं के लिए टाइम नहीं रहेगा इसलिए उनसे भी मैं अभी क्षमा मांग लेता हूँ बिगिनिंग में आई विल गिव वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बेसिकली आई विल टेल देयर नेम और वो कहाँ से शायद मैं ना कर पाऊँ एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट हमारा मतलब तो भगवान राम की कविताएं सुनने कहने का है तो इसमें एक इसके शुरू करें उसके पहले जैसे मैंने कहा और हम हमेशा कर रहे हैं तो जब तक सारे कवि ना बोल रहे हैं विल ऑल कीप एट म्यूट एंड बाद में सबके भी बोल रहे हैं सुन लें उसके बाद में वी ऑल कैन हैव सम डिस्कशन और कमेंट्स और एनीथिंग बट ऑल कमेंट्स हैव टू बी विद रिस्पेक्ट नो क्रिटिसिज्म प्लीज no criticism of any religion, society, you know, we respect everybody. You know, उनके लिए अलग फोरम है, people can go to those forums and be critical of other things. पर आप किसी बात पे बहुत ही मन कर रहा हो क्रिटिसाइज करने का तो आपको मुझे अकेले में बाद में मुझे बताएं उनको उनको उन व्यक्ति को बताएं जिसके विषय आप कहना चाहते हैं प्राइवेटली तो इसको शुरू करने के पहले एक मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत सुंदर दो पंक्तियां हैं वो आप सब विद्वानों को पता है मुझे तो एक दो दिन पहले पता चली तो वो पंक्तियां हैं राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है तो इसका इन्होंने साकेत में अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताइए ये मेरे पास साकेत किताब है अगर आपको पर इसका मैं सोर्स ढूंढ रहा था तो सोर्स से मुझे पता लगा कि ये उन्होंने पहले यशोधरा जो उनकी कविता है उसमें इसका प्रयोग किया है अब मेरा हालांकि मैं ना तो हिंदी का विद्वान हूँ ना रामायण का मैं तो विद्यार्थी भाव से आता हूँ यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि पिछली सदी में मैथिली शरण गुप्त से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ उनकी जो रचना है जो थोड़े बहुत मैंने कॉलेज के दिनों पढ़ी थी तो जस्ट एन अमेजिंग वर्क ऑफ लिटरेचर तो उन्होंने कहा है राम तुम्हारा व्रत स्वामी काव्य है राम तुम्हारा जीवन है तुम्हारा चरित्र है तुम्हारा व्रत वो स्वयं काव्य है और उससे कोई भी कवि बन जाए तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है तो मैं ये मानता हूं अगर आप मुझे अनुमति दें बोलने की कि आज के जो सारे कवि हैं वो कवि स्वयं बन गए क्योंकि उनमें राम की निष्ठा है अगर राम में निष्ठा न हो तो कवि नहीं बन पाते और इसका मुझे खुद को अनुभव है मैं तो कोई कवि नहीं हूँ ऐसी कई बार तुक्के और उस तुक्केबाजी इसीलिए संभव हो पाया राम जी की कृपा है तो इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की कि इसके पीछे गुप्त जी का क्या भाव रहा होगा तो कुछ ऐसी कथा मुझे पढ़ने में आई जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और राम के पुत्र लव और कुश ने वो कथा गाकर सुनाई राम जी के दरबार में तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको ये कविता कहाँ से आई काव्य कहाँ से आया किसने लिखा इतनी बड़ी सुंदर कविता है जब वो वाल्मीकि से मिले तो उन्होंने वाल्मीकि जी की बड़ी प्रशंसा की कि आपने इतना बढ़िया कविता लिखी इसीलिए तो वाल्मीकि जी आदि कवि माने जाते हैं और उनकी रामायण आदि काव्य माना जाता है क्योंकि सबसे पहले जो काव्य रचना वाल्मीकि जी तो वाल्मीकि जी ये कहते हैं हे राम इसमें मेरा कुछ नहीं है ये तो तुम्हारा जीवन ये कविता के तरह जीवन है और उसके संपर्क में जो आता है उसमें हम कवि बनते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें जो जिस ऑर्डर में हम बुलाएंगे उनके लिस्ट में सब सबका जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबका स्वागत और आप अपने आप को म्यूट पर रखिए प्लीज क्योंकि वो क्या होता है कि आप भी ना बोले तो पीछे की आवाज आती रहती है पंखा चल रहा है पंखे की आवाज आएगी वहाँ कोई झाड़ू लगा रहा तो झाड़ू की आवाज आएगी तो शिव यू प्लीज कंट्रोल दिस यू नो पीपल हु जॉइन लेट दे आर नॉट ऑन म्यूट सो तो सबसे पहले जैसा मैं अभी कह चुका दो मिनट पहले मैं सब कवियों से क्षमा चाहता हूँ एडवांस में क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनका पूरा परिचय नहीं दे पाऊंगा
क्योंकि वह दिन 11 फिर आज की सफर शाम तक खत्म होगी। शाम के मतलब मेरा मतलब यूएस की शाम के टाइम, इंडिया में तो सारी रात चलेगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नूपुर अशोक जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं देख रहा हूँ नूपुर जी आई हुई हैं, ये रांची में है और उन्होंने ढेर सारे पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित किए हैं और कविता संग्रह प्रकाशित किया है। तो नूपुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, प्लीज काम आप अपनी कविता पढ़िए। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है राम तुम्हें फिर आना होगा। राम तुम्हें फिर आना होगा, उलझे सवालों को सुलझाने, हर कर्म का मर्म बताने, जो किया वह क्यों किया, रामचरित्र को फिर समझाने, राम तुम्हें फिर आना होगा। तुम पर उठते हैं सवाल, तुम पर हो जाते हैं बवाल, तुम्हारे नाम पर लड़ने वाले मंद बुद्धियों को समझाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। किसी के तुम फैशन हो, किसी के लिए बस आइटम हो, जिए जो जीवन मूल्य तुमने, उन्हें फिर से बतलाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। किसी के लिए बस मूरत हो, आरती पूजा और मन्नत हो, मूरत से बाहर आकर अब फिर से कर्तव्य सिखाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। किसी कटघरे में आरोपी हो, सीता त्याग के दोषी हो, निज प्रेम पर राज धर्म का महत्व उनको समझाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। क्यों ठुकराया शूर्पणखा को, प्रेरित किया क्यों अंग भंग को, मर्यादा का सीमा लंघन है असह्य, बतलाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। क्यों गए तुम गहन वन में, क्यों किए असुरवत तुमने, अराजकता और प्रपंच का विनाश करना सिखलाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। तुम तो थे सियावर राम, कैसे बन गए जय श्री राम, नारों झंडों को छोड़ फिर से सियावर राम कहलाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। कुछ आहत है रावण वध पर, कुछ विभीषण अभिषेक पर, नीति रहित ज्ञान है निष्फल, पुनः स्थापन करवाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। जो करणीय वही है धर्म, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म, धर्म की सही परिभाषा को फिर से याद दिलाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। आई और मैं तक सीमित, बस अपने सुख संकुचित, इस स्वकेंद्रित दुनिया को विश्व कर्तव्य सिखाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर नूपुर जी। मेरा कुछ कहना का ये मन कर रहा है कि नूपुर जी तुम्हें फिर आना होगा इस प्लेटफॉर्म पर, इतनी सुंदर कविता आपने सुनाई, राम जी को दोबारा आने की बिल्कुल जरूरत है। अब हम आगे बढ़े, रांची से झारखंड में है, उसके बगल में ही मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में गुना एक जगह, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, काफी लोगों ने इसका नाम शायद सुना सुना हो। तो गुना से एक प्रोफेसर है हिंदी के, उनका मैं रखता हूँ डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, जो शाकुंतल के नाम से लिखते हैं। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी आप हैं? हाँ जी मैं हूँ, बिल्कुल। हाँ जी प्लीज बोलना, आप सुनिए अपनी कविता जी। एक गीत प्रभु श्री राम जी पर केंद्रित है। भक्त राम की करे तो, भक्त राम की करे तो किंतु दुख से डरे, भक्त राम की करे तो किंतु दुख से डरे, व्यक्ति नहीं जानता कि काम राम ही सरे, व्यक्ति नहीं जानता कि काम राम ही सरे, राज्य त्याग कौन बन में आज तक गया कहीं, नव विवाहिता हो जान की भी संग संग रही, कौन पीर सबके लिए
कौन पीर सबके लिए राम ने सही नहीं, इस तरह जिए कि लगे आज भी यही कहीं। स्वार्थ पिंड है मनुष्य, स्वार्थ पिंड है मनुष्य, राम स्वार्थ से परे, व्यक्ति नहीं जानता कि काम राम ही सरे। कल्पना से संकटों की जग तो आंख मूंद ले, कल्पना से संकटों की जग तो आंख मूंद ले, घंटमिर में राम है जो अपनी राह ढूंढ ले। कुल की रीति भी निभाई, कुल की रीति भी निभाई और नया भी कर गए, राम थे जो काले पर भी कितने रंग भर गए। रास्ते बना बना के राम हो गए खरे, व्यक्ति नहीं जानता के काम राम ही सरे। के राजा हो के आदिवासियों के यार बन गए, राजा हो के आदिवासियों के यार बन गए, दुर्जनों को काल सज्जनों को प्यार बन गए। राम देह त्याग जग में बस विचार बन गए, राम देह त्याग जग में बस विचार बन गए, पीढ़ियों के तारने सुधा की धार बन गए। एक राम नाम से ही कोटि कोटि जंतरे, व्यक्ति नहीं जानता कि काम राम ही सरे। और अंतिम बंद है कि जी अनंत सृष्टि ये पता नहीं कहाँ गई, जी अनंत सृष्टि ये पता नहीं कहाँ गई, राम की कहानी लगे आज भी नई नई। जग को जिए किंतु जग के दाग लेके चल दिए, जग को जिए किंतु जग के दाग लेके चल दिए, पिता समान राग देवे राग लेके चल दिए। हरते हरते दुख सबके, हरते हरते दुख सबके राम हो गए हरे, व्यक्ति नहीं जानता के काम राम ही सरे। भक्ते राम की करे तो किंतु दुख से डरे, व्यक्ति नहीं जानता कि काम राम ही सरे, व्यक्ति नहीं जानता कि काम राम ही सरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बड़ा बड़ी सुंदर रचना गई आपकी। तो अगले हमारे वक्ता हैं और कवियत्री हैं कहना चाहिए मुझे, डॉक्टर सुकन्या हेगड़े। ये बेंगलोर में एक कॉलेज में पढ़ाती हैं और उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर हेगड़े प्लीज ज्वाइन अस एंड कम। नमस्ते सर, कैन यू हियर मी सर? हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते सर। या सुन रहे, सुन रहे। या आई एम, यस यस यस, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ राम आई हैव रिटन फ्यू लाइंस। माय मदर टंग इज कन्नड़ा बट स्टिल आई हैव ट्राइड राइटिंग इट इन हिंदी, सो इफ एनी मिस्टेक्स प्लीज यू हैव टू एक्सक्यूज मी। आई जस्ट रीड रिसाइट माय पोएम। पावन पाव का स्पर्श कठिन पत्थर को भी दिया हर्ष, पावन पाव का स्पर्श कठिन पत्थर को भी दिया हर्ष, धन्य हो गई अहल्या माता श्री राम आप हो हमारे दाता, धन्य हो गई अहल्या माता राम आप हो हमारे दाता, जहां होगी तुम्हारी स्तुति वही होगी सबकी समृद्धि, हर पल तुम्हारा गुणगान वही होगी अभिवृद्धि, देना हमको इतना सद्बुद्धि तुम्हारे आदर्श पालन करने की संबुद्धि, श्री राम जप में है अपार शक्ति हर दुखों का होगी मुक्ति, श्री राम जप में है अपार शक्ति हर दुखों का होगी मुक्ति, देना हमको श्री राम नाम जपने की बुद्धि, श्री राम नाम जप से होगी संसार की आत्मशुद्धि, श्री राम नाम जप से होगी संसार की आत्मशुद्धि। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। मैंने जब इस बारे में संदेश भेजा था, मैंने कहा ऑल लैंग्वेजेस आर वेलकम, किसी भी लैंग्वेज में आप कविता पढ़ सकते हैं।
तो मैं सोच रहा था कोई फ्रेंच में, कोई जर्मन में, कोई अन्य भाषा में पढ़ेगा, पर वो तो वो इच्छा तो मेरी पूरी यूँ नहीं हुई। तो आप कन्नड़ में कविता पढ़ते तो मुझे तो और ज्यादा बड़ी समझ में नहीं आती, पर आनंद आता। सो काइंड ऑफ यू टू राइट अ पोएम इन इन इंडियन शैली। थोड़ा सा मैं बता दूं आज के बारे में। जैसे मैंने बताया वी हैव 21 पोएट्स एंड जरा पुरुष वर्ग के लिए खास है, 21 में से पुरुष लोग सिर्फ 6 ही हैं, 15 नारियां हैं। तो नारी शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ पुरुष लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, पर नारियां इतना बड़ा योगदान दे रही हैं, तो हम सब आपका बहुत बहुत आभारी हैं। 21 में से 2 इंग्लैंड से हैं, 3 यूएस में हैं और 16 भारत में। तो अब जरा आगे बढ़े, हमारी अगली कवित्री है डॉक्टर नीलम त्रिवेदी। डॉक्टर नीलम त्रिवेदी कानपुर में है, पर वो भी वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट में दयानंद पीजी कॉलेज में। तो डॉक्टर नीलम त्रिवेदी जी आपका घर है, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बोलिए, कहिए। मेरी कविता का शीर्षक है सीता की अग्नि परीक्षा क्यों, एक विचार प्रधान कविता है। हम सब जानते हैं वाल्मीकि रामायण में बहुत चर्चित प्रसंग है अग्नि परीक्षा। इसमें राम और सीता का संवाद है प्रस्तुत कविता में। सीता की अग्नि परीक्षा थी या परीक्षा थी वह राम की, सीता हेतु नहीं था वह युद्ध था राम के मान का। सीता की अग्नि परीक्षा थी या परीक्षा थी यह राम की, सीता हेतु नहीं था वह युद्ध था राम के मान का। हे वैदेही हुई आज प्रतिज्ञा पूर्ण मेरी, हे वैदेही हुई आज प्रतिज्ञा पूर्ण मेरी, मैंने जो यह युद्ध किया लक्ष्मण संग पराक्रम से, सूर्य वंश पर था कलंक जो मार्जन मैंने कर दिया। हे सीते तेरी प्राप्ति नहीं थी लक्ष्य मेरा, तुम पात्र बनी रावण की कलुषित दृष्टि की, तुम पात्र बनी रावण के गात्र स्पर्श की, तुम्हें कैसे मैं स्वीकार करूं, मैं कैसे अंगीकार करूं। हे जनक दुलारी जा सकती हो जहां तुम्हारी इच्छा हो, तुम रह सकती हो संग विभीषण अथवा संग सुग्रीव के, तुम रह सकती हो संग विभीषण अथवा तुम सुग्रीव के। तो वैदेही अचकचा जाती है और वो अपना उत्तर देती है, हे प्राणनाथ जब भाव यही था मन में तो मुक्त कराया मुझको, क्या बिसात है अग्निदेव की जो सिद्ध करे वैदेही को, क्या बिसात है अग्निदेव की जो सिद्ध करे वैदेही को। भूतल से मैं प्रकट हुई दिव्य अलौकिक चारित्र, जात वेदस्य पवित्र वे, जात वेदस्य पवित्र में मिथ्या कलंक की मारी हूँ। अद्वैतम सुख दुखयों का भाव गात्र स्पर्श मात्र से लोप हो गया, अद्वैतम सुख दुखयों का भाव गात्र स्पर्श मात्र से लुप्त हो गया। हे महाबाहु अग्नि परीक्षा के इस क्षण में चुप होकर मैं रह न सकूंगी, युगों युगों से अनुगामनी तेरी शब्द बरछी से सह न सकूंगी। हे नाथ पा लिया मैंने जीवन का सत्य चिरंतन, यह अग्नि परीक्षा नहीं थी मेरी, ये अग्नि परीक्षा नहीं थी मेरी, ये परीक्षा है तुम्हारे पौरुष और अभिमान की, तुम्हारी रूढ़ियों और परंपराओं की, तुम्हारी रूढ़ियों और परंपराओं की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये एक हम सब जानते हैं, ये विषय काफी कंट्रोवर्शियल रहा है और सबके अपने अपने विचार हैं। इसके बाद में एक कवित्री, उनका नाम ही मैं नहीं बता रहा, वो एक बड़े एक ओजस्वी कविता सुनाएंगे मुझे ऐसा ख्याल है। तो थोड़ा आगे बढ़े, अब भारत देश से थोड़ा बाहर निकले, तो अब सीधे भारत देश से फ्लाइट लेते हैं और इंग्लैंड पहुंचते हैं। तो इंग्लैंड में पहुंच कर वहाँ पर वाल्सल शहर में एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर वंदना मुकेश। तो डॉक्टर वंदना मुकेश को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप पधारे।
और अपनी कविता सुनाएं। नमस्कार ओम जी और सभी सभी को मेरा नमस्कार, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। अपनी अपनी मुख्य रचना पढ़ने से चार लाइनों से बात शुरू करती हूँ कि आज हम लोग किस तरह उलझे हुए हैं। ओम जी आपको धन्यवाद। आप सुन सकते हैं मुझे ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह सुन रहे हैं। अच्छा, तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि प्रसन्नता की सीता को हर ले गया इच्छाओं का रावण। प्रसन्नता की सीता को हर ले गया इच्छाओं का रावण, साधनों में ढूंढते हम राम को अकारण। तो इस छोटे से मुक्तक से अपनी बात शुरू की है मैंने, और राम के चरित्र की आज बहुत आवश्यकता है, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं अपनी ये रचना आपको सुनाती हूँ कि सैकड़ों रश्मियां निज रूप बन बिखेरता, सैकड़ों रश्मियां निज रूप बन बिखेरता, ज्ञान पुंज स्रोत है या सूर्य ही चमक रहा, समाज के विशाल की मशाल ले चल रहा। अक्षरों का ज्ञान हो, मनुष्य का सम्मान हो, आज के संदर्भों में हमें एक ऐसे राम की आवश्यकता है। उस पर चर्चा है यहाँ पर कि समाज के विकास की मशाल ले चल रहा हो, अक्षरों का ज्ञान हो, मनुष्य का सम्मान हो, अभाव में भी भाव हो पर हित सहज स्वभाव हो, अभाव में भी भाव हो पर हित सहज स्वभाव हो, उस मार्ग पर जो चल रहा प्रणम्य वह प्रसन्न हो जो कर्म काव्य लिख रहा। हवा का रुख बदल सके जो कालिखे मिटा सके, श्रांत क्लांत वीर में जो लालसा जगा सके, बनकर सहज कबीर सा रूढ़ियों से भिड़ सके, राम बन सभी में जो सत्य प्रेम भर सके, बनकर सहज कबीर सा जो रूढ़ियों से भिड़ सके, राम बन सभी में जो सत्य प्रेम भर सके, परदेश में अवदान दे जो लौट आया गांव अपने, जो दीप बनकर तमहरे शंखनाद गांव में, परदेश में अवदान दे जो लौट आया गांव अपने, जो दीप बनकर तमहरे कर शंखनाद गांव अपने, जो मिला सौंप जग को दिया समस्त ऋण चुका दिया, जीवन उसी का धन्य है, प्रणम्य है वह युग पुरुष प्रणम्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच वंदना जी। अगर आपकी वंदना की कविता से मन ना भरा हो तो अगले सप्ताह फिर इनको हम सुनेंगे, जब हनुमान जी पर बात करेंगे। तो वंदना जी हमारा प्रतीक्षा रहेगी अगले सप्ताह आपसे सुनने के। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं कि जिसको कहते हैं ना ट्रेलर, असली फिल्म तो बाकी है। तो कितने विद्वान है, कितनी विदुषी है, आप देख ही पा रहे हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू नेक्स्ट वीक। तो अब तक जो भी चार पांच वक्ता आए हैं, कवि कवित्री आए हैं, ये मैं देख रहा हूँ वो सभी साहित्य से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या हिंदी में पढ़ाते हैं या संस्कृत पढ़ाते हैं, या इस तरह का अनुभव है। अब मैं जिनको बुला रहा हूँ वो बेसिकली वो डिप्लोमेट है। तो आज भारत सरकार में डिप्लोमेट हैं और कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं, पर आजकल वो दिल्ली में बेस्ड हैं। उनका नाम है श्री अनिल जोशी। तो अनिल जोशी का स्वागत करें। अनिल जोशी जी पधारे और अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत है आपका, आइए। अनिल जोशी जी, अनिल जी आप आए? अनिल जी, ये नाम नहीं दिखाई दे रहा है। नाम नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी हो सकता है उनको भारत सरकार ने कोई इमरजेंसी सेवा दे दी हो इस समय, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा। अगर बाद में आए तो तब बुलाएंगे रात को। तो आजकल जो परिस्थिति बड़ी विकट है सारे विश्व में, उसके बारे में आपको तो पता ही है कि एक हम सब लोगों ने मिलके एक अखंड रामायण संकल्प का पाठ किया है, जो 31 मई को होगा। आपको सबको सूचना मिल चुकी है ऑलरेडी। करीब 27-28 लोग मुझे इस बारे में पाठ पढ़ने के लिए भेज चुके हैं, और कोई आप लोगों में से पढ़ना चाहे तो आप मुझे बोलो बोलो
आज ही अपना ईमेल start working on the modalities. That may be probably the first attempt to do Uttarakhand Ramayana, but online worldwide. Hello. सुनाई दे रहा है आप सबको ना? हाँ सब सुनाई दे रहा है. मैं वीणा. हाँ स्वागत है वीणा जी आपका बहुत बहुत. तो उस बारे में और जानकारी मैं बाद में आपको दूंगा. मैंने चैट बॉक्स में एक छोटा संदेश डाला है कि आप बस एक छोटा सा चैट में डाल दीजिए आप अपना कि मैं ये हूँ. और पहले अगर आप आपका ईमेल हमारे पास ना हो तो आप अपना ईमेल भी डाल दीजिए सो वी कैन पुट यू इन आवर ईमेल मेलिंग लिस्ट. तो अब आगे बढ़े जोशी जी. तो अभी आ गए अनिल जोशी जी. तो आगे बढ़ते हैं. ये हमारे प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में पढ़ाते हैं. इनसे हमारा बहुत साल से परिचय है क्योंकि मेरी छोटा मोटा मैनेजमेंट प्रोफेसरी का काम कर लेता हूँ तो उस संदर्भ में हम लोग मिलते रहते हैं. तो इनका नाम है श्री अन्ना साहेब गौरव. तो अन्ना साहेब जी आइए. और सर नमस्कार. गुप्ता सर नमस्कार. तब मैं शुरू करूँ. हाँ बोलिए अन्ना साहब. जिसके मुंह में राम है उसके जीवन में राम है. राम मीन्स मूल्य और अर्थ वैल्यू. राम तो जीवन है. राम तो मार्गदर्शक है. राम तो दो अक्षर का शब्द है. राम तो जीवन का प्रबंध है. राम तो मर्यादा पुरुष है. राम तो व्यवस्थापन गुरु है. मैं व्यवस्थापन का अध्यापक हूं इसलिए. राम है तो संसार है. राम ही तो त्याग मूर्ति है. राम तो निगर्वी है. राम तो निस्वार्थी है. राम तो आदर्श है. राम तो वंदनीय है. राम तो विचारों का सार है. राम तो मर्यादाओं का प्रतीक है. राम तो सर्वगुण संपन्न है. राम तो उद्धारक है. राम तो पावन है. राम तो पुनीत है. राम आदर्श राजा है. राम आदर्श पिता है. राम आदर्श भाई है. राम आदर्श मित्र है. राम तो युग पुरुष है. राम तो सर्वज्ञ है. राम आदर्श पति है. राम आदर्श समाज वत्सल है. राम निर्मल है. राम सभी को श्रद्धा है. धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच गौरव साहब. मैनेजमेंट प्रणाली सर ने फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंटिंग माय पोएम इन हिंदी. दिस इज माय फर्स्ट पोएम सर इन हिंदी. थैंक यू सर. सो वंडरफुल. प्लीज कीप वर्किंग ऑन दिस. यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब. जैसा आप सब लोगों ने सुना है अब तक वी हैव हर्ड सिक्स पोएट्स. उसमें द टू ऑफ देम जो हिंदी भाषी नहीं है डॉक्टर सुकन्या हेगड़े और हमारे अन्ना साहब चरण जी का. तो कोई भाषा का कोई बैरियर नहीं है. तो देखिए दोनों दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारत भाषा में शायद इनका लालन पालन हुआ होगा पर हिंदी भाषा में कितनी सुंदर इन्होंने कविता सुनाए. So certainly special thanks to Purav Sahib and Dr. Subhanya Hegde. इसके बाद में भी मेरे ख्याल से और भी कुछ लोग हैं वो आएंगे तब उनका परिचय कराऊंगा. अब हम आगे बढ़े कोल्हापुर से. अभी आजकल कुछ ट्रेन चल पड़ी हैं उसमें बैठ के इंदौर पहुंचते हैं. तो इंदौर में हमारे बड़े आदरणीय मित्र और बंधु हैं श्री मंगलेश मुजमेर और मंगल उपनाम से वो कविता लिखते हैं. यह बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखते हैं. इनकी बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और कभी कभार मैं भी कुछ उल्टे सुलटे कविता लिख देता हूँ तो हमेशा उस पर हमेशा अपनी राय देते हैं और जिसको कहते हैं ना वैल्यू एडिशन. तो मंगलेश साहब आपका बहुत बहुत स्वागत पधारे. जय श्री राम. जय श्री राम. इस राम काव्य के ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के अभिनव आयोजन में जो विशेष सूत्रधार रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी गुप्ता एवं समस्त रजन धर्मियों एवं प्रभु श्रोताओं आप सबको मेरा नमन प्रणाम और
मंगल कामनाएं। मेरी रचना का शीर्षक है कि लंका दहन के प्रमुख कारक तत्व। हम तो सब जानते हैं कि लंका दहन हनुमान जी की कृपा से हुआ था, परंतु इसके पीछे और भी कुछ कारक तत्व हैं, मैं उसका व्याख्यान करना चाहता हूँ। सुनिएगा कि लंका दहन में पवन सुत के अंतर्मन का ताप था, कि लंका दहन में पवन सुत के अंतर्मन का ताप था, और लंका दहन के पीछे कई कारकों का शाप था, कि लंका दहन के पीछे कई कारकों का शाप था। तो इंसान हर अच्छे बुरे का फल भोगता जीवन में, कि इंसान हर अच्छे बुरे का फल भोगता जीवन में, रावण वध के वास्ते सीता हरण का पाप था, लंका दहन के पीछे भी सीता हरण का पाप था। तो दिल दुखाना किसी का भी कम नहीं है पाप से, कि दिल दुखाना किसी का भी कम नहीं है पाप से, और लंका दहन के पीछे तो सीता का संताप था, लंका दहन के पीछे तो सीता का संताप था। ये मुश्किल था मारना ज्ञानी शूरवीर रावण को, ये मुश्किल था मारना ज्ञानी शूरवीर रावण को, कि रावण वध में धनुर्धारी राम का प्रताप था, और लंका दहन में धनुर्धारी राम का प्रताप था। और जलने जलाने हेतु अग्नि संग जरूरी है हवा, जलने जलाने हेतु अग्नि संग जरूरी है हवा, कि लंका दहन में हनुमान के संग उनका बाप था, कि लंका दहन में हनुमान के संग उनका बाप था। ये मानव सेवा है माधव सेवा कभी न निष्फल होती, ये मानव सेवा है माधव सेवा कभी न निष्फल होती, लंकेश होने में विभीषण संग राम नाम का जाप था, लंकेश होने में विभीषण संग राम नाम का जाप था। और अंतिम है कि राम सेतु बंधान में मंगल थी पीछे न गिलहरी, कि राम सेतु बंधान में मंगल थी पीछे न गिलहरी, कि उसके पीठ पर श्वेत निशान राम का हस्तक्षाप था, उसके पीठ पर श्वेत निशान राम का हस्तक्षाप था, कि लंका दहन में पवन सुत के अंतर्मन का ताप था, लंका दहन के पीछे कई कारक तत्वों का शाप था। और इन विभिन्न कारकों में मैं अपनी समझ से समझता हूँ कि राम का प्रताप, सीता का संताप, हनुमान का बाप और पवन सुत का ताप, विभीषण का जाप और रावण का पाप, ये सब कारक भी उसमें सम्मिलित थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपको मंगल कामनाएं, जय श्री राम। श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंगले जी, बहुत सुंदर कविता आपने लंका दहन पर लिखी, तो कांडा क्यों। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसके पहले एक स्टेटिस्टिक बता दूं, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट की संख्या अभी 100 नंबर पे पहुंच गई थी, तो दिस माइट बी द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन अवर दिस रामचरित मंथन इवेंट्स। आप सब विद्वान लोग हैं, पर मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कभी कोई ऑनलाइन को छोड़िए, इवन फेस टू फेस, कहीं कोई सिर्फ राम काव्य पर कभी कहीं स्वरचित रचनाओं का कभी कोई कवि सम्मेलन कहीं हुआ है, मुझे बताइएगा। कवि सम्मेलन तो होते रहते हैं। हाँ तो अपनी स्वरचित रचनाओं का राम काव्य पे कभी अभी तक सम्मेलन हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ सर। हाँ तो मुझे आप लोग जो आप विद्वान लोग हैं, रिसर्च करते हैं इस पे, तो जरा इस पे रिसर्च मुझे बताइएगा। अब आगे बढ़े तो इन कवियों के लिए थोड़ा सा एक हनुमान चालीसा की चौपाई याद आ रही है, आधी सी आप जरा पूरा कर मेरी मदद करिए। तुलसीदास जी कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को, तो यहाँ पर राम काव्य करने को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काव्य करने को आतुर। सारे विद्यावान गुणी चतुर लोग हैं, पर सब राम के काव्य को, राम काव्य भी तो राम का काज ही है, तो राम काव्य करने को आतुर हमारे पास अब अगले कवि हैं, जो यहाँ हमारे पास ही रहते हैं डालास में, यहाँ तक करीब 200 मील दूर है हमारे यहाँ से, का नाम है
श्री मनोहर लेले जी, इन्होंने सुंदरकांड पर भी पुस्तक लिखी हुई है और बड़े विद्वान है। तो मनोहर लेले जी आइए, स्वागत है आपका। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। पर सभी लोग म्यूट कर दें तो सुनाई देगा। ये राम कथा पर ये मैंने रचना की। राम कथा सुन लो मेरे भाई, कितनी सुंदर है गहराई। राम कथा सुन लो मेरे भाई, राम कथा मंगल पावनी, कलयुग के मल धुलती रहती। संजीवनी अमृतमय होकर, कामधेनु जस आनंददाई। राम कथा सुन लो मेरे भाई, रामचरित सब ही को भावन, बिरचि शंभु अति पावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, मन विषयन सघन बन जरई। राम कथा सुन लो मेरे भाई, राम कथा अति सुखदायिनी, श्रवण मन भर सुनो कहानी, संशयन डराय दूर भगाती, राम नाम रस भरी भरी होई। राम कथा सुन लो मेरे भाई, राम अनंत अनंत गुण भारी, राम अनंत अनंत गुण भारी, सुनते हु भव के सब भय हारी। राम कथा जो हरि पद देई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। राम कथा सुन लो मेरे भाई, राम कथा सुन लो मेरे भाई। धन्यवाद ओम जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जैसा आपका नाम वैसी आपकी कविता, कितनी मनोहर है, बड़ा सुनने में आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी करेंगे तो फिर दोबारा आपको सुनेंगे। तो आप चलो डलास से बम्बई पहुंचते हैं, फ्लाइट चालू हो गई है। तो अब मैं रवि दत्त गौर जी को बुलाता हूँ जो बम्बई में रहते हैं। आइए गौर साहब। प्रणाम, राम राम सभी को। राम राम। आइए। धैर्य शौर्य को जब पूजे तो बस राम चरण पर ध्यान धरे, मर्यादा की परिभाषा दे तो शुभ राम नाम गुणगान करें। दंडक वन बने नंदन कानन, सीता राम के पग पड़े जहां, त्याग मूर्ति की गाथा का शरणामत निष्दिन पान करें। धैर्य शौर्य को जब पूजें तो बस राम चरण पर ध्यान धरें। दशरथ तनय कौशल्या हर उपाधि से अनुशेषण स्नेह का केवल चाहें, जीवन डोर की हर उलझन उस रघुवंश मणि के नाम करें। धैर्य शौर्य को जब पूजें तो बस राम चरण पर ध्यान धरें। प्रस्तर बनी अहिल्या को सम्मान सहित करी मुक्ति प्रदान, शबरी की अथक प्रतीक्षा का भरपूर किया भगवान भुगतान। सुग्रीव विभीषण की भक्ति इतिहास के स्वर्णिम पन्ने हैं, केवट के चरण प्रक्षालन का ऋषि मुनि नित्र गौरव गान करें। धैर्य शौर्य को जब पूजें तो बस राम चरण पर ध्यान धरें। कांटों पे चले बिछोह सहा, सुर मानव धेनु भय हीन किए, सृष्टि के लिए हर कष्ट सहे, तीनों लोक असुर विहीन किए। राज धर्म के मानक राजा राम की कीर्ति धरोहर वसुधा की, राम राज धरा पर फिर आए, युग युग से सब आह्वान करें। धैर्य शौर्य की को जब पूजें तो बस राम चरण पर ध्यान धरें। राम सीय चारों भ्राता, हनुमंत संग ले हमें अपनी शरण में, त्रेता में मर गया था रावण, जीवित हुआ है फिर कलयुग में। चीत्कारें कोई सुनता नहीं है, मानवता हुई अंधी पंगु बधिर,
कोदंड उठाओ जगदाधार, कोदंड उठाओ जगदाधार, दुष्कर्मियों का शीघ्र संहार करें, धैर्य शौर्य को जब पूजें, तो बस राम चरण पर ध्यान धरें, जब राम चरण पर ध्यान धरें। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं फिर से आपको थोड़ा स्मरण करा दूं, अगर आपका ईमेल आईडी हमारे पास ना हो तो इस चैट बॉक्स में आप डाल दें, क्योंकि धीमे धीमे हम लोग विल शिफ्ट मोर ऑन ईमेल रादर देन व्हाट्सएप। अब आगे बढ़ते हैं, बम्बई से निकलते हैं और उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं लखनऊ में। बड़े विदुषी हैं जिनको मैं अगले बुला रहा हूँ, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इनका नाम है श्रीमती अलका प्रमोद। तो अलका जी आप आधार हैं, अलका जी का स्वागत। नमस्कार, आवाज आ रही है ना भाई? बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार आप सबको, जय सिया राम। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृपा आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम तुम राम तुम्हारी महिमा न्यारी, जन जन के मानस में बसते भक्त सदा तुम पर बलिहारी, मन में सबके रमण हो करते इसीलिए तो तुम हो राम, भक्त रमण तेरे मन करते इसीलिए भक्तों के राम, तुमने तो है स्वयं को जीता तभी जी है जीता जग को तुमने, तुमने तो है स्वयं को जीता तभी विश्व को जीता तुमने, पले बढ़े तुम राजवंश में सन्यासी मन पाया तुमने, नहीं हुए विचलित कष्टों से सदा संतुलन साधा मन का, काम क्रोध को विजित किया है दमन किया अभिलाषाओं का, आदर्शों के मापदंड पर जीवन भर निर्वाह किया है, शांति और सद्भावना से जीवन नैया पार किया है, कर्तव्यों को परम मानकर त्यागे जीवन के सुख सारे, समग्रता और संभावों का सबको पाठ पढ़ाने वाले, रिश्ते को हर कर परिभाषित रिश्ते को उसका बांध दिया, स्थित प्रज्ञ भाव से सुख और दुख जो भी था स्वीकार किया, शत्रु ने जब निकृष्टता की हर सीमा को था पार किया, वे मृत्यु दंड था किया न्याय पर गुण का भी सम्मान किया, राम नहीं तुम नाम मात्र एक तुम आस्था के द्योतक हो, तुम विश्वास तुम्ही हो आश्रय तुम्ही हमारे पोषक हो, सखा भक्त या अनुज हो कोई शरण में तेरी जो आया, तेरे नाम की डोर थाम कर भव सागर पार वो कर पाया, राम भूल कर तेरी शिक्षा पतित हुआ है मानव इस युग में, राम भूल कर तेरी शिक्षा पतित हुआ मानव इस युग में, ताहिमाम का शोर मचा है बीत रहा है पुण्य जगत में, आओ तुम उद्धार करो अब नहीं धैर्य आ जाओ प्रभुवर, राम नाम की लगन लगी है अब ना तुम ठुकराओ रघुवर, अब ना तुम रघुवाओ ठुकराओ रघुवर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़े इसके पहले मैं अगले वीक सप्ताह का थोड़ा सा रूपरेखा बता दूं। अगले सप्ताह राम भक्त हनुमान जी के थीम पर वेबिनार कह लीजिए, सभा कह लीजिए होगी, उसमें चार विद्वान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी पर चर्चा होगी, तो उसके लिए आप तैयार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अजमेर, यहाँ पर श्रीमती उषा त्रिपाठी हैं जो रिटायर्ड प्रिंसिपल और डी प्रोफेसर रही हुई हैं। तो उषा जी आप का स्वागत है, पधारे और अपनी कविता सुनाए। नमस्कार ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं इस मंच से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मेरी कविता का विषय है, आगे बढ़ गए हम इतना, छोड़ा हमने राम को कितना, जीतने की चाह में जीवन की राह में, आगे बढ़ गए हम इतना, छोड़ा हमने राम को कितना, जीवन में अब आराम कहाँ है, बेटे में अब राम कहाँ है, राम सा सेवा भाव नहीं है,
कलयुग में पुरुषोत्तम राम नहीं है। हर पल टूटती मर्यादा पूछे बस इतना, छोड़ा हमने राम को कितना। सीना चीरो तो अब राम नहीं है, हर पल दौड़ती दुनिया की पहचान यही है। अब नहीं हम घी के दिए जलाते हैं, बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से खुद को सजाते हैं। देखो अब रावण भी मुस्कुरा रहा इतना, करते हैं हिसाब छोड़ा हमने राम को कितना। जिंदगी के गणित में हमने अपने पराये किए हैं, इस घोर कलयुग में हमने भी कुछ पाप किए हैं। अब पूछे पालनहार से हम इतना, छोड़ा हमने राम को कितना। ईर्ष्या लोभ अहंकार कहीं है, शबरी के बेरों में मिठास नहीं है। अमरता का मिथ्या आभास कहीं है, उठता नफरतों का सैलाब कहीं है। हर पल घटती जिंदगी पूछे बस इतना, छोड़ा हमने राम को कितना। नकाबों में मिलते हैं अब हमें अक्स हमारे, जयचंदों की बस्ती में ढूंढते हैं हम राम हमारे। देखो यह सब दिल समझता है इतना, छोड़ा हमने राम को कितना। पर अब मैं कहना चाहूंगी ओम जी और समस्त प्रबुद्ध जनों से, अब और नहीं, अब हमें वापस कलयुग से सतयुग लाना है। तो आगे की मेरी पंक्तियां सुनिए। मिटाकर शूल राहों के ख्वाबों की राह बनाते हैं, चलो राम की बनाई राहों को फिर से मुसाफिर बन जाते हैं। करते हैं उजाला ऐसा, करते हैं उजाला ऐसा कि अंधेरा पूछे बस इतना, छोड़ा हमने राम को कितना। अब हमें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है, अमावस भरे इस कलयुग को फिर से सतयुग करना है। अब लगे इस सवाल पर पूर्ण विराम इतना, कि छोड़ा हमने राम को कितना। धन्यवाद ओम जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। आप अजमेर से बोल रही हैं। देखिए मैं संयोग की बात है कि अभी पिछले दिसंबर में मैं और मेरी पत्नी आपके शहर में आए थे। पहले पता होता तो आप क्या दाल वाल रोटी वोटी खाते, पर चलो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम आपको अपना पता भेज देंगे। और अब की बार अगर आप अजमेर आए, अब की बार नहीं, अब हम कह रहे हैं अब आप अजमेर आइए ही, और निश्चित रूप से हमें स्वागत का अवसर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। अभी नुपुर जी ने एक चैट पे सुझाव डाला था कि इन सब कविताओं को इकट्ठा करके देखिए, मैसेज में पढ़ रहा हूँ, सारे मैसेज में पढ़ नहीं पा रहा। उन्होंने लिखा है ओम जी यहाँ पठित सभी रचनाओं को इकट्ठा कर एक संदर्भ प्रकाशित किया जाए। तो आपको शायद पता हो या ना हो कि हमने कुछ साल पहले एक पत्रिका निकाली थी, अंग्रेजी में निकाली थी, राम क्वेस्ट। उसके बाद में उसका हिंदी वर्जन शुरू किया था पिछले साल, राम जिज्ञासा। पर कुछ और कई कारणों से अभी ये साहित्य धारा बह निकली है, तो अनवरत बहती रहेगी तो अच्छा है। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, आवाज प्लीज म्यूट, एवरीबॉडी म्यूट कर सर। म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। पता नहीं कहाँ से आवाज आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो कुछ समय म्यूट कर, कुछ समय से उनका प्रकाशन नहीं हो पाया, तो अभी संकल्प है कि आप प्रकाशित करेंगे। जब तो उसमें इन सब कविताओं को हम लोग प्रकाशित करेंगे, राम जिज्ञासा में या राम क्वेस्ट में, इस फॉर्म में। तो वक्त का सुझाव है नुपुर जी, रीअफर्म मी दिस थिंग। तो अब आगे बढ़े, अजमेर से कोलकाता पहुंचते हैं, और कोलकाता में मैं श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी बुलाऊंगा, वो कोलकाता की बिरला हाई स्कूल में पढ़ाती हैं। तो ज्योति जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। ज्योति जी बता रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते। ज्योति अग्रवाल, हाँ ठीक हो गया लगता है। हाँ ज्योति जी, सॉरी कहाँ है आप? हाँ जी सर, नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्ते एवं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई, स्वागत। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मेरी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो आइए मैं अपनी कविता राम दर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। त्रुटियों को क्षमा करें, दर्शन होंगे
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानवता के गुणों के पालन से होगा जब न्याय का सवेरा, होगी सत्यता मानव के कर्मों में, मिलेंगे राम भटकों को मार्ग दिखाने पर, बिगुल बजेगा जब सत्यता के नए युग का, ऊंच नीच का भाव न होगा, होंगे सभी भाई भाई, होगा गर्व जब मात पिता की आज्ञा पालन में, जब होगा ना उनका पदार्पण वृद्धाश्रम में, होगा ना जब किसी नारी का अपमान, हमें दिखेंगे राम वहीं, हर व्यक्ति में दर्शन होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, देंगे जब लोग आहुति देश रक्षण के लिए, और देंगे क्षमादान हंसते हंसते अपने शत्रु को भी, तभी दर्शन होंगे श्री राम के, तभी दर्शन होंगे श्री राम के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। तो कोलकाता से ज्योति जी ने अपनी कविता सुनाए। अब चलो हम लोग भारत में रहकर तो बोर हो गए तो इधर बाहर चलते हैं। तो कोलकाता से फिर पहुंचते हैं, अब अमेरिका आते हैं, और यहाँ पे प्रोफेसर नीना वाई जी अब अगली वक्ता हैं। ये कैम्ब्रिज से मैसाचुसेट्स में पढ़ाती थी पहले, अब रिटायर्ड हो गई हैं, विज्ञान और भाषा की शिक्षिका। तो आइए नीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कविता लिखी है, उसका शीर्षक है सतयुग की सीता जी कलयुग में। सतयुग की सीता जी कलयुग में, राम राज अगर कलयुग में होता तो कैसा होता सीता जी का जीवन। राम राज के आने से कलयुग में राजा दशरथ की एक ही रानी होती, भगवान राम की माता कौशल्या ही होती। दुलारों से भरे राम वन में ना जाते, गूगल से ही सारा ज्ञान उपार्जन कर लेते, माँ का आंचल छोड़कर गुरुकुल ना जाते। राजा जनक को पुत्री पाने के लिए खेतों में हल ना चलाना पड़ता। विज्ञान की ढेर सारी सुविधाओं से कन्या मिलती, केवल उसकी भ्रूण में हत्या होने से जनक जी को उसे बचाना पड़ता। सीता जी को पाकर धन्य जनक उनकी शिक्षा और विकास के लिए सारी सुविधाएं जुटा देते। सीता जी को पुष्प के लिए वाटिका में ना जाना पड़ता। फूलों को ऑनलाइन में ऑर्डर कर देती। फिर राम के दर्शन फेसबुक में कर लेती। नैनों की प्यास बुझ जाती। वादे और कस्में ना होती। बारंबार सीता जी को अग्नि परीक्षा ना देनी पड़ती। टीवी न्यूज चैनल समाचार सब में जंगल में मंगल और राम जी सीता जी की जीवनी का ज्ञान जनता को घर बैठे ही मिल जाता। सीता जी को गर्भावस्था में वन गमन ना करना पड़ता। लव कुश को अपनी पहचान बताने की व्यवस्था ना करनी पड़ती। वैज्ञानिक सुविधाओं के मध्य सीता जी की पीड़ा कुछ कम हो जाती अगर सीता जी कलयुग में आ जाती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नीना जी, सो काइंड ऑफ यू, आप पधार रहे इस कार्यक्रम में अपनी कविता सुनाई। अब आगे बढ़े हम, फिर वापस भारत जाए बिना काम अपना अपने पार नहीं पड़ती, चलो भारत ही जाना पड़ेगा। पहुंचते हैं फिर से लखनऊ पहुंचते हैं, और बड़ी विद्वान है, कवियत्री है, ये प्रोफेसर रही हुई है और अब रिटायर्ड है लखनऊ में, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी। इनको मैं पिछले दो बार से लगातार हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में मिलता आ रहा हूँ, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। आइए मधु चतुर्वेदी जी आइए, स्वागत है। स्वागत है। आज इस रामचरित मंथन के
इस अंतरराष्ट्रीय कवि गोष्ठी के ऑनलाइन से जुड़े सभी साथियों को हमारी राम राम। हमारी कविता है कहां ढूंढें श्री प्रभु राम। प्रश्न हर बार हम अपने से करते हैं, प्रश्न हर बार हम अपने से करते हैं, कहां ढूंढें श्री राम। मंथरा की कुमंथरा में ढूंढे या केकई के दहा में, मंथरा की कुमंथरा में ढूंढे कि केकई की दाह में, दशरथ की उपेक्षा में ढूंढे या उनकी चाह। प्रेम हृदय सीता में ढूंढे या सीता परित्याग में, या ढूंढे परशुराम के क्रोध में, कहां ढूंढे श्री भरत लक्ष्मण की भ्रातृ भक्ति में, या शत्रुघ्न के प्यार में, या ढूंढे श्री राम भक्त हनुमान, कहां ढूंढे। रावण के विध्वंस अहंकार में या मंदोदरी तारा के समर्पण में, रावण के विध्वंस अहंकार में या तारा मंदोदरी के समर्पण में, या ढूंढे सुपर्णखा की कामरति चाह, कहां ढूंढे। शबरी के प्रेम में ढूंढे या अहिल्या के उद्धार में, बाली विभीषण के न्याय में ढूंढे या वशिष्ठ विश्वामित्र के विश्वास में, कहां ढूंढे। प्रजा के प्रेम में ढूंढे या उनके लांछन सवालों में, सीता से ली राम ने दो अग्नि परीक्षा, अपनी अग्नि परीक्षा तो दी शतबार, उस अग्नि परीक्षा में ढूंढे क्या। समुद्र लांग जो लंका पहुंचे स्वयं कभी ना लांग सके मर्यादा की एक लकीर, तभी समझ आता है कहां ढूंढे अपने श्री राम सारी अतियों में जो डिगे नहीं अपने मूल्यों से हटे नहीं, भाव दुर्भाव सम एक रहे, ना प्रतिकार ना कोई पलायन अपनी निजता तक से दूर रहे। सिखा गए आवेश नहीं संयम है शक्ति, बस एक सत्य कर्तव्य निष्ठ हर सम विषम में, निश्चल स्थित प्रज्ञ, बस यही है राम। सबको हमारी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत छोटी की कविता, सो काइंड ऑफ यू। जैसे मैंने भी लिखा, आप सब अपनी अपनी कविताएं मुझे ईमेल से भेज दें, एंड देन वी विल At least for now, we'll have a soft copy available for distribution to everybody. मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं श्रीमती नीलू गुप्ता जी को स्किप कर गया, तो हमारे महालक्ष्मी लिस्ट में यहाँ पर हैं, तो my profound apologies to नीलू जी। तो नीलू जी आप पधार हैं, और नीलू जी हिंदी के प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया में, और बहुत एक्टिव हैं। शी इज वेरी वेरी एक्टिव पर्सन इन प्रमोशन ऑफ हिंदी एज ए लैंग्वेज इन यूएसए, एंड ऑफकोर्स कवित्री हैं, लेखिका हैं, और बहुत सारे गुण हैं। तो नीलू जी, यू आर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, फिर से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर दिया। कोई बात नहीं, धन्यवाद ओम जी। सबसे पहले मैं कविता प्रारंभ करने से पहले रामचरित मानस में एक श्लोक की पद्य से राम जी का आह्वान करूंगी, और उनको मैं याद करूंगी।
तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ मासायक चारु चापम वंदे रामम रघुवंशनाथम वंदे रामम रघुवंशनाथम। मंच को नमस्कार। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। राम कहो राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। राम नाम है बड़ा सुखदाई राम नाम है बड़ा सुखदाई हर ले पीड़ा जन जन की बन के दुख की दवाई। राम नाम है बड़ा सुखदाई हर ले पीड़ा जन जन की बन के दुख की दवाई। राम नाम है शक्ति पुंज और बलशाली राम नाम है शक्ति पुंज और बलशाली। राम नाम जपते वही जो है भाग्यशाली जो है भाग्यशाली। राम नाम जपते वही जो है भाग्यशाली। अब उन्हीं पर मनुज बन अवतरित हुए श्री राम अवनी पर मनुज बन अवतरित हुए श्री राम मर्यादा खूब निभाई मर्यादा सिखलाई बन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वन वन में डोले सबके बंधन खोले वन वन में डोले सबके बंधन खोले। अहिल्या तारी शबरी तारी तारे केवट और तारे तार बील करल राम की महिमा अपरंपार क्षण में कर दे बेड़ा पार। भव सागर में जीवन नैया हिचकोले है खा रही भव सागर में जीवन नैया हिचकोले है खा रही। भव सागर के नैया पार करेंगे श्री राम भव सागर में जीवन नैया पार करेंगे श्री राम। राम नाम बड़ा सुखदाई हर ले जन जन की पीड़ा बन के दुख की दवाई बन के दुख की दवाई। राम नाम के चुगले मोती साथ तेरे ये जाएंगे राम नाम के चुगले मोती साथ तेरे ये जाएंगे। होगा जब तेरा लेखा जोखा ये तेरी धरोहर बन जाएंगे ये तेरी धरोहर बन जाएंगे। राम नाम है
बड़ा सुखदाई, राम नाम है बड़ा सुखदाई, हर ले जन जन की पीड़ा, बन के दुख की दवाई, राम नाम बड़ा सुखदाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा काव्य और बहुत अच्छे, बहुत इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी अपनी दो लाइन सुना दूं आप लोगों की परमिशन हो तो। हम लोग सब करोना से पीड़ित हैं, सारा विश्व पीड़ित है। स्वागत है, स्वागत है। तो थैंक यू। तो मैं, ये तो मेरा थोड़ा अनुभव है कि आज से छह साल हो गए। छह साल पहले मुझे एक बड़ा मैसिव हार्ट अटैक आ गया, पर आप लोगों की कुछ कृपा दृष्टि आशीर्वाद रहेंगे कि मैं आपके सामने अभी भी हूँ। तो वो सारी कहानी लंबी नहीं सुनी, पर मैं आईसीयू में वहाँ पड़ा हुआ था, तो उसी समय आईसीयू के बिस्तर से बैठे बैठे ये मेरे मन में भाव आए, तो वह मैं सुना रहा हूँ। तो उस समय डर तो रहता ही है कि पता नहीं कब भगवान उठा लेगा, जैसे आजकल रहता है हर किसी को। तो इसका शीर्षक मैंने डाला है काल का डर। तो ये मेरी काल से बात है, काल मेरे सामने खड़ा हुआ है। काल मुझको मत डरा तू, काल मुझको मत डरा तू, राम मेरे साथ हैं। काल मुझको मत डरा तू, राम मेरे साथ हैं। सर पे मेरा हाथ जिसका, सर पे मेरा हाथ जिसका, वे तेरे भी नाथ हैं। काल मुझको मत डरा तू, राम मेरे साथ हैं। सर पे मेरे हाथ जिसका, वे तेरे भी नाथ हैं। याद कर तू राम को, याद कर तू राम को, कृतार्थ जिसने तुझको किया, मुक्त रावण से कराया। काल तो रावण का बंदी था, मुक्त रावण से कराया, जीवन नया तुझको दिया। करने अभी कुछ काम है, देखिए राम जी ने प्रेरणा दी शायद ये काम करने के लिए, उन्होंने मुझे अभी तक रखा हो। करने अभी कुछ काम है, वक्त मेरा आया नहीं, करने अभी कुछ काम है, वक्त मेरा आया नहीं। राम आज्ञा होगी न जब तक, राम आज्ञा होगी न जब तक, साया भी मैं दूंगा नहीं। राम आज्ञा होगी न जब तक, साया भी मैं दूंगा नहीं। राम हो जिस पर कृपालु, राम हो जिस पर कृपालु, कोई उसका क्या करे। राम हो जिस पर कृपालु, कोई उसका क्या करे। रख राम आस्था राम में, रख ओम आस्था राम में, काल से क्यों कर लगे। रख ओम रास्ता राम में, राम से क्यों कर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये बस मन के भाव हैं। उस समय अस्पताल में आईसीयू बेड पर बैठे बैठे काल से बात करने का मन हो गया, तो तभी एक कविता उसे मैं लिख दी, और वही भाव अभी तक चल रहा है कि काल से क्या डरना है जब राम अपने पास है। तो सो काइंड ऑफ यू टू लिसनिंग टू मी। अब आगे बढ़े, लखनऊ से पहुंचते हैं पंजाब होशियारपुर, यू नो हम तो बड़े सारा भारत भ्रमण करेंगे। होशियारपुर में श्रीमती मीनाक्षी मेनन है प्रस्तुत, वो साइंस की टीचर हैं, तो वो अपनी रचना प्रस्तुत करेंगी। मीनाक्षी आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, मेरी कविता का शीर्षक है इतना ही सरल था क्या राम हो जाना। बहुत सुंदर। इतना ही सरल था क्या राम हो जाना, विष्णु लोग त्याग भूलोक में ले अवतार, दो अक्षर का बस एक नाम हो जाना, इतना ही सरल था क्या राम हो जाना। क्षत्रिय वीर धीर गंभीर, सहज सरल मुख पे मोहक मुस्कान धरे, जन जन से प्रीत फिर भी मोह से परे, प्राण जाए पर वचन न जाए, कह के पिता के मन का संताप हर के, हर्षित मन से वन की राह हो जाना, इतना ही सरल था क्या राम हो जाना। निषाद संग निभा के सखा प्रेम की रीत, निषाद संग निभा के सखा प्रेम की रीत, शबरी के झूठे बेरों पर गए बार बार प्रभु रीज, हर एक भेद मिटा के अनोखी जग में रीत चला के, शरणागत पे अपरिमित उदार हो जाना, इतना ही सरल था क्या राम हो जाना। विभीषण को दिया अभय दान, सागर से की विनती
अपना कुल गुरु जान मर्यादा में बंधे, ऐसे राम के नाम के उद्घोष से ही सिंधु पे सेतु का निर्माण हो जाना, इतना ही सरल था क्या राम हो जाना। परलोक जाते हुए रावण को मान दिया, विभीषण को लंकापति का नाम दिया, अयोध्या आके जननी से पहले कैकेयी की गोद में समा के, अयोध्या आके जननी से पहले कैकेयी की गोद में समा के उसका अपराध बोध धो जाना, इतना ही सरल था क्या राम हो जाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक मेरे ख्याल पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह मैंने हम बन सकते हैं राम पर एक कविता मैंने सुनाई थी, तो अब तो खैर उसके लिए समय नहीं है, पर राम बनना तो बहुत सरल है, हम कोई करना है जो राम जी ने किया था, और उन्होंने कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं किए। एक मैं तो मानता हूँ अहिल्या चमत्कार को छोड़कर और अहिल्या उद्धार को छोड़कर बाकी सारे कार्य मानवीय थे, पर चलिए वो एक अलग डिस्कशन है, उसके लिए आज समय नहीं है। अब चलते हैं होशियारपुर से फिर कोलकाता पहुँचते हैं, तो कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं और इनका नाम है डॉक्टर मुन्नी गुप्ता। मुन्नी जी पधारिए, आपका स्वागत। डॉक्टर मुन्नी गुप्ता सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। शुक्रिया सर जी। कविता का शीर्षक है अश्वमेध यज्ञ में वैदे एक। हे जनक सुता, हे जनक सुता, मैं भूमि जा पूछती हूँ तुमसे, ये जो रेखा है जोती हुई हल से पृथ्वी पर, कौन है, कौन है ये देवी, अन्न की देवी, कर्म की देवी, या की सौभाग्य पर। हे भूमिजा मैं कौन, हे भूमिजा मैं कौन, हे जनसुता कौन तुम, शिक्षक अधिष्ठात्री, हे देवी तुम ही बतलाओ, हे देवी तुम ही बतलाओ, पूछ दी हूँ तुमसे, हे जनसुता, हे भूमिजा, कौन मैं और कौन। अश्वमेध यज्ञ में वैदेही तू, हे राघव प्रिया मैं अपनी सुता, हे राघव प्रिया मैं अपनी सुता, घोषणा करती हूँ कैसे तुम भूल गए वैदेही को, अग्नि मेरा प्राण, पृथ्वी मेरा मान, मैं विदेह राज की पुत्री, मैं वैदेही, मैं जनसुता कहने आई हूँ, ये प्राण तुम्हारे थे, ये मान तुम्हारा था, ये देह विदेह सब वैदेही हैं, ये प्रतिछाया माया है, जीव मृतंतक की काया, हे अयोध्या वासिनी मैं मिथिला कन्या, मैं मिथिला कन्या, मैं वैदेही, मैं सनातनी, मैं ही तपू भूमि तुम्हारी, जिसे कुलोद्भव जग व्यापी, हे राघव प्रिया तुम बतलाओ, हे राघव प्रिया तुम बतलाओ, विजय किस पर हुई बतलाओ, निशुदा मैं अविनाशी, जो हर सका मुझे, कौन युग जय कर सका मुझे, हे राम प्रिया मैं अभी सुता, हे पुष्प रंध्र हे राम प्रिया में, मैं ही काया माया जग, मैं ब्रह्मलोक में, हे राम प्रिया बतलाओ, हे राम प्रिया बतलाओ, ब्रह्मलोक में पाप है क्या, ब्रह्मलोक में पाप है क्या, मृत्यु लोक का सत्य है क्या, हे राम प्रिया मैं अभी सुता, तुम ही बतलाओ भला, इस युद्ध कांड की तुम क्षमा मूर्ति हो, या पृथ्वी सुता होने की दोषी हो, मृगाखेर की चाह तुम में, तुम अपराधी कैसे, हे राम प्रिया सानिध्य तुम्हारा राम, प्राण तुम्हारा राम, स्वास्थ्य तुम्हारा राम, हे प्राण प्रिय, हे राम प्रिया, ये अग्निश्रुता है कौन, जिसकी रक्षा में पवित्र यज्ञ वेदी, पवित्र देह में देह विदेह समर्पित, हे पवित्र धारित्री, हे राम प्रिया मैं अग्निश्रुता, घोषणा करती हूँ इस लोक में, हर माया की, हर काया की, हर साध्य हर असाध्य की, हर काल हर विकराल की, मैं अपनी अविनाशी राम प्रिया, यही सत्व यही तत्व, मैं अविनाशी, मैं अविनाशी, मैं। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुन्नी जी, सुन रहे हैं आप? हाँ बहुत सुंदर। आपका आपका बैंडविड्थ थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा लो है, पर
चलिए पर आपकी बात सुनाई देगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़े, अब आगे नवी मुंबई चलते हैं, और मुंबई में जो अगले कवित्री हैं ये कई भाषाओं की ज्ञाता हैं, ऑफ कोर्स लेखिका तो है ही, इनका नाम है श्रीमती लता तेजेश्वर रेणुका, और ये हमें एक हिंदी से अलग एक भाषा में कविता सुनाएंगे। तो चलो मेरी मन की थोड़ी कामनाएं पूरी हो रही है कि हिंदी के अलावा भी हमें सुनने को मिलेगा। तो लता जी पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। लता जी, लता तेजेश्वर जी आप हैं? लता जी, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो मेरी कविता तेलुगु में है, मैं वैसे चार भाषाओं में लिखती हूँ, तो ये तेलुगु में मैं पढ़ने को फैसला किया। रामय्या नी सीता ये दैया, मतलब हे राम आपका सीता कहाँ है? तो ये थोड़ा पीड़ा भरी है, माता सीता की दुख और राम जी का दुख दोनों का उसमें दर्शाया है। मुंगिटा मुग्गुला तो कलकला लाड़तुन्ना नी राजमहल बोसिगा मारिंदी एंदुकय्या रामय्या नी सीता एदय्या। राजमहल में जितना कलरफुल रहता है वो सब जितना रहे तो भी खाली खाली लगता है, ये सीता जाने से है, इसीलिए रामय्या कहाँ आपके सीता कहाँ है। काल्लकु पाराणी कलव पूलांटि कन्नुलु सुवर्ण रंगुतो मेरिसे मेमी नुदट कुंकुम बोट्टुतो नी मदिलो मेदिले सीता एदय्या। पैर में रंग लगाते हैं ना लेडीज से वो, और उनके आंखें और उनकी जो सुवर्ण रंग का तन वो सबको वर्णना करके वो पूछते हैं कि इतना सुंदर सीता मतलब सीता माँ को कहाँ छोड़ दिया आपने, कि आपने अपने मन में रख लिया और सीता यहाँ आपके पास है नहीं। लंका दहन जैसी सीतम्मा को रक्षिंचिना नुवे అగ్ని ప్రవేశం చేయించి స్వీకరించగా బోయవాని మాటలకు విలువనిచ్చావే నీ సీతని నువ్వు అడవి పాలు చేశావే సీతమ్మ కన్నీళ్లకు జవాబు ఏదయ్యా ఓ రామయ్య సీత ఏదయ్యా। లంకా దహన్ హోనేకే బాద్ ఉన్కో అగ్ని పరీక్ష లేకే స్వీకార్ కర్నేకే బాద్ భీ ఏక కేవట్ కీ బాత్ సే ఆప్నే ఉన్హే जंगल को भेज दिया, और आप सीता अम्मा का जो आंख की आंसू थी उसका क्या आपने पिघला नहीं है क्या? हे राम आपने आपका सीता कहाँ है? स्त्री का जन्मिंचिना निन्नो परिणमाड़ी नी इंट दीपम वत्तिगा मारी तानु काली लोकानी वेलुगुनिच्चिना सीतम्मा एदय्या रामय्या। वो अपने आप दिया का जो बाती जैसा जलते जलते भी आपके लिए जो जितना सेवा किया है, फिर अभी उनको क्यों भेज दिया आपने, हे रामय्या करके पूछ रहे हैं। गर्भवती अनि आलोक चिंपका शिक्षण नुदट पै राशाऊ लक्ष्मणुनि चेत के विच्ची अडविलोकी पंपाऊ इदि नीकु तगुना। उनको जैसे लक्ष्मण के हाथ देके उन्होंने जंगल में भेज दिया जब ही वो गर्भवती थी, तभी क्या तुमको ये अच्छा लगता था, अच्छा हुआ क्या? हे रामय्या तुम्हारा न्याय कहाँ गया करके पूछ रहे। मंची मुच्चुमला मेरी से पवित्रता अंत बादल कुड़ा चदरनी नव्वु, एक मोती जैसा पवित्रता और जितने दुख में भी अपने मुस्कुराहट के साथ जितना भी वो अपने दुख है वो अपने अंदर ही रख के तुम्हारे लिए जो जीवन बिताया है, तो रामय्या कहाँ है वो सब, कहाँ गया? दुखानी नीलो दिगमिंगी कठोरंगा एला मारे हो, मतलब दुख को अपने अंदर रख के कैसे तुम इतना कठोर हो गए हो, आ तल्ली एला एला दूरम कैसे हो, माँ को क्यों दूर कर दिया, उन्हें क्यों जंगल भेज दिया, इंदुको अड़विलोको पंपाऊ ओ रामय्या सीता एदय्या। निन्नु नम्मुकोनी नी सहधर्मिणिगा
घल्लु घल्लु मंटु नी इंट तिरिगे सीतम्मनी लोकुलु अवमानिस्ते नी मदिलो दाचुकुन्ना आ बंगारु तल्लिनी दूरं चेसुकुन्नावु एंदुकय्या रामय्या नी सीत एदय्या आपको ही जो आपके I got one more number. I don't know whether you need that. नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए प्लीज कंटिन्यू. हाँ आपको आपके विश्वास आपके ऊपर विश्वास करके आपके हाथ पकड़ के आपके सहधर्मिणी बन के वो जो घर में आई थी आपके साथ इतने सारे लोगों का जो उन अवमान अपमान होने के बाद भी आपने कैसे सहा और माँ सीता को अपने दिल में रखकर उन्हें बाहर भेज दिया ऐसा क्यों किया है रामय्या आपका सीता कहाँ है करके पूछ रहे हैं बस इतना है. चलो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया. So in activities like this, you know, I मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ. I would encourage all other languages. You know, हम भी सब और भाषाओं को सीखें. Thank you. जैसे हालांकि मुझे तेलुगु तो नहीं आती है, पर इनकी सुनने के बाद में पता लगा कि बहुत सारे शब्द तो कॉमन है. जैसे राम कॉमन है, हम जानते हैं राम कौन है. ये नाम सुन लिया बहुत हो गया. इसे ज्यादा सुनकर क्या करना भी गया जीवन में. तो बहुत बहुत धन्यवाद लता जी. वे सो काइंड ऑफ यू. करीब करीब 12 बज रहे आ रहे हैं यूएस में. मैं बस समय से जो प्लान किया था करीब 10 मिनट लेट चल रहा हूँ. तो अगर 10-15 मिनट और आप लोग बैठ जाएं तो मैं बड़ा ऋणी रहूंगा. तो अगली हमारी ये वक्ता हैं श्रीमती विनीता मिश्रा जी. ये भी बहुत बड़ी लेखिका हैं, कवियत्री हैं और इनको बड़ी ओजस्वी वाणी में बात करती हैं. ये भी लखनऊ में. तो विनीता जी आपको स्वागत है. बताए जय सियाराम सभी को. जय सियाराम स्वागत. मेरी आवाज पहुंच रही है इसका मतलब. हाँ बिल्कुल. तो मैं बस अपनी रचना पर आती हूँ. पहले दो पंक्ति सुनाऊंगी राम के दुख के विषय में और फिर अपनी मूल कविता पर आऊंगी जिसका शीर्षक है राम की स्वीकारोक्ति. तो पहले दो पंक्तियां की सुनो वैदेही तेरी रातों से बढ़कर मेरी रातें सुनी है. सुनो वैदेही तेरी रातों से बढ़कर मेरी रातें सुनी हैं. तेरी बाहों में लव और कुश मेरी बाहें सुनी. धन्यवाद. अब कविता राम की स्वीकारोक्ति. इसमें सीता जी को वन भेज देने के बाद सीता जी का परित्याग कर देने के पश्चात रामचंद्र जी की मन स्थिति का वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है. सबने बल देखा था मेरा दुर्बलता कोई ना देख सका. सबने बल देखा था मेरा दुर्बलता कोई ना देख सका. मैं छुपा रहा तुम चली गई मैं वो क्षण भी ना देख सका. सबने बल देखा था मेरा दुर्बलता कोई ना देख सका. मैं छुपा रहा तुम चली गई मैं वो क्षण भी ना देख सका. मैं कह पाता तो कहता तुम सबला थी मैं निर्बल था तुमसे तो मैं दुर्बल था. तुम सबला थी मैं निर्बल था तुमसे तो मैं दुर्बल था. तुम निर्जन में भी सबल रही मैं महलों में भी निर्बल था. तुम निर्जन में भी सबल रही मैं महलों में भी निर्बल था. ये प्रेम ही शक्ति बनता है और दुर्बल भी वो करता है. ये प्रेम ही शक्ति बनता है और दुर्बल भी वो करता है. मैं धनुष उठा तो सकता था पर नयन न तुमसे मिला सका. मैं धनुष उठा तो सकता था पर नयन न तुमसे मिला सका. था दुखी तुम्हारे कष्टों से पर किसी को मन ना दिखा सका. था दुखी तुम्हारे कष्टों से पर किसी को मन ना दिखा सका. समय चला चलता ही गया संताप मेरा ना मिटा सका. हर पुकार बस मन में रह गई स्वर तुम तक पहुंचा ना सका. हर पुकार बस मन में रह गई स्वर तुम तक पहुंचा ना सका. जो मैंने तुमसे कहा नहीं क्या ऐसा ही था कहानी. जो मैंने तुमसे कहा नहीं क्या ऐसा ही था कहा नहीं. यदि कह पाता क्या कहता मैं. यदि कह पाता क्या कहता मैं. अपराधी सा बस रहता मैं. मैं स्वयं स्वयं से बचा गया हाँ तुमने मुझे क्षमा किया. मैं स्वयं स्वयं से बचा गया
हाँ तुमने मुझे क्षमा किया, मैं आज भी ये दुख सहता हूँ, मैं आज भी ये दुख सहता हूँ, तेरे नाम के पीछे छुपता हूँ। मैं आज भी ये दुख सहता हूँ, तेरे नाम के पीछे छुपता हूँ, जब तक ना तेरा नाम जुड़े आधा अधूरा रहता हूँ। जब तक ना तेरा नाम जुड़े आधा अधूरा रहता हूँ, यह भी तो त्याग तुम्हारा है, तुमसे ही प्यार हमारा है, तुम बल ही मेरा सदा रही, चाहे पास रही या जुदा रही, चाहे पास रही या जुदा रही। जैसे बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर मिनीता जी, मैंने ये आपसे पहले भी सुनी थी, मुझे हर बार सुनने में बड़ा आनंद आता है जो आपने ये राम की व्यथा का वर्णन किया है। हम राम को दोष देते आए हैं पर उनकी व्यथा को नहीं समझते, तो थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। आप अगली हमारी टाइम बस अब 10 मिनट और हैं, तो जरा आप सब लोगों ने इतना धैर्य रखा है तो 10 मिनट और थोड़ा सा, सारे वक्ता लोगों ने बिल्कुल समय की मर्यादा का पालन किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि तो कभी सम्मेलनों में देखा जाता है अक्सर पता होता है कि टाइम 8 से 10 है, वो तो शुरू ही 10 बजे होता है तो कम से कम मर्यादा से, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है, यहाँ पर सब काम मर्यादा से करना है। तो आगे हैं हम, अब यहाँ से लखनऊ से अब पहुँचते हैं इंग्लैंड बर्मिंगम में। ये बनारस की बेटी हैं, हिंदी की बड़े विद्वान हैं, लेखिका हैं, रचनाकार हैं, श्रीमती शैल अग्रवाल, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। शैल जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। शैल जी पधारे। शैल जी धन्यवाद, जय श्री श्री राम सबके लिए। मेरी कविता सीधे ही शुरू करती हूँ। माँ कहती थी रात जब पसीने पसीने जागती थी, सुंदर कांड पढ़ाकर डर नहीं लगेगा, रामायण पढ़कर तो देख शांति मिलेगी। कभी कभी यूं मनाती भी थी रूठ जाने पर, हनुमान तो नहीं जो दिखा दूं तुझे सीना चीर। सिराने आते ही कर जाती थी कितने राक्षस ढेर, बचपन की उन मासूम डरावनी रातों में। बचपन था वो हमारा जहां बात बात में आ जाती थी रामायण, और शबरी खिलाती थी स्नेहवश झूठे बेर। राम की करुणा में ही सत्ता में मिलते कितने पात्र, राजा रानी महल सन वन का जटिल जीवन, पत्थर की अहिल्या गरुड़ जामवंत जटायु, भयभीत सुग्रीव नदिया के संग खेवट निषाद, सभी राम के सहयोगी सभी राम के साथ। एको अहम और सर्वो अहम का संदेश देते सबके राम सब में राम। आज के ऊपर पढ़ी नहीं जाती, घर घर धूल खाती है यह किताब। कभी जो बड़े चाव से पढ़ते थे, कंध में लिपटी पूजा घर में ही रखते थे, भावातुर में दादी नानी नित उठकर जिसे पहले माथे से लगाती थी, मंगल भवन अमंगल हारी खुशी हर आपदा में गाती और दोहराती थी। आज बड़े नहीं पर रामायण है, पर फुर्सत नहीं हमारे पास दौड़ती भागती जिंदगी को थमने और पलटने की, शब्दों में मौन में सुख दुख और हार जीत के हर उद्वेलित कब कब और कौन में पसरा रह जाता है बस एक सवाल, सन्नाटे सा प्रश्न पूछता उत्तर मांगता। जब राम जी से लेकर हरे राम और राम राम से राम नाम सत्य तक, हे राम सांस सांस में ही रचे बसे हो तुम पल पल रहते साथ, तो फिर क्यों बस एक प्रथा एक उच्छ्वास आज तुम्हारा नाम। कहां गई वो श्रद्धा वो जादू, उठाओ फिर से अपने धनुष बाण, क्या हम ही नहीं तुम्हारे या तुम ही नहीं रहे अब दीनानाथ। सो गए या फिर सुख शैया पर क्षीर सागर में जाकर, अपहरण अराजकता लूटपाट हिंसा और भयका या संक्रमण काल, भूले कर्म कर्तव्य हम तप संकल्प एक एक त्याग तुम्हारा। किसी भ्रांति में मत रहना, मंदिर भी जो बनवाए अपनी ही कीर्ति ध्वजा फहराने को, आओ
याद दिलाओ वे सारे आदर्श और सपने जिनके बल पर राक्षस ही नहीं खुद को भी तुमने जीता था। बचनों की वह प्रतिबद्धता कितनी सहजता से जिसने निभाया था। राक्षसों को मारना तो आसान था पर गर्भवती सीता को कैसे त्यागा था। आज वो न्याय नहीं जन सम्मान या समता वो भाव नहीं अपनों पर अपनों को ही अब विश्वास नहीं रिश्तों का अर्थ बस भूल आ गया। क्या मार सकोगे तुम वह रावण करता जो अट्ठा हाथ द्वारे द्वारे खड़ा अदृश्य प्रसंग वही फिर सोने की लंका का और सोने की मृगता ही तो सुरसा के फैलते मुख और सुपर्णखा की कटती नाक का ही तो जाब से दूर बैठे तज घर घर में बूढ़े माँ बाप महलों के सपने में खोई सीता भी अनुगामी नहीं आज सूनी आंखें रोती नहीं श्रापित है यह लोलुप समाज विश्वास ही नहीं वो ताकत विश्वास में नहीं वो ताकत ना ही प्रेम में अब साहस समृद्ध को जग गोसाई ढोंगियों से भर गया अपना समाज कहां वो पुत्र जो त्यागे पिता के वचनों पे राजपाट नहीं वो पिता जो पुत्र वियोग में तज दे प्राण लखन से भाई नहीं भाई के दुख में जो देवें साथ प्रेम प्रतीत के बल पर भी तो कपि किनो दुर्गम काज पर्वत उठाए हाथ में लियो समुंदर लांग प्रेम प्रतीत के बल ही तो वन वन भटकी थी जान की भरत ने राखी थी कुल की लाज कथा ये प्रेम और त्याग की सेवा में विश्वास की गौरव पाते आज भी जिससे परिवार कथा शौर्य भरे परमार्थ की जोड़ा जोड़े जो रख सकता बिखरे समाज प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा समदर्शी थे गुरु गोस्वामी सांची बात दीन बखाने सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। प्रोग्राम खत्म होने से पहले मेरा थोड़ा मन में एक भाव है एक कविता और सुनाने का अगर आप मुझे अनुमति दे तो स्वागत है आपका और उसकी प्रेरणा हमारे स्वागत है माननीय मोदी जी स्वागत हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं उषा मेहरा जी और लक्ष्मी नारायण मेहरा जी वो हैं सभा में उपस्थित उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इन्होंने एक बार कहा कि भगवान राम जी हम करुणा निधान क्यों कहते हैं उनको क्योंकि उन्हें और लोगों की इतनी करुणा है कि जगह जगह पर उन्होंने आंसू बहाए तो उसी पर देखकर ये भाव से ये कविता लिखी है तो उसका शीर्षक बनाया राम जी के आंसू। मैं कोई कवि नहीं हूँ ऐसे जो मन के भाव आते हैं उनको मैं लिखता हूँ। तो हाथ जोड़ मैं करूँ प्रणाम सजल नयन करते तुम राम को तुम सकल सुखों के दाम अशुभाते फिर क्यों राम। राम जी तो सकल सुख दान है भगवान है वो क्यों अशुभाते हैं हम लोग आंसू बहाए वो बात अलग है। चित्रकूट जब से श्री राम अवधपुरी सुमरे गुणधाम भर आते लोचन सुख राम जन्म भूम कर सुमरन राम भरते आगमन सुन के राम भरते आगमन सुन के राम भावकुल होते श्या राम करते विदा भरत को राम लोचन भर आते मेरे श्री राम। ये सारे प्रसंग रामचरितमानस लिए हुए हैं। वन में बसे मुनि निष्काम वन में बसे मुनि निष्काम अस्थि ढेर देखे श्री राम राक्षस करने देख के राम अश्रु भर लाते मेरे राम। गीधराज सेवक श्री राम गीधराज सेवक श्री राम तजे प्राण कर सेवा राम दुर्लभ गत दीनी श्री राम भरलोचन दीना निज धाम सीता दुख सुनकर सुखधाम सीता दुख सुनकर सुखधाम भराए लोचन प्रभु राम हनुमत हृदय लगाए राम भरलोचन पुलकित श्री राम।
मूर्छित लक्ष्मण देखे राम, भय सोच बस सीता राम, भाई गवायो मैंने किस काम, भाई गवायो मैंने किस काम, मनुज भांति रोते श्री राम। करे विभीषण विनती राम, करे विभीषण विनती श्री राम, करो कृपा आओ मुझ धाम, सुनकर वचन बोले श्री राम, सजल नयन सोते श्री राम। चढ़ पुष्पक लोटे श्री राम, चढ़ पुष्पक लोटे श्री राम, देख अयोध्या पुलकित राम, सजल नयन होते श्री राम। सुपति राघव राजा राम, मिलते भरत बंधु श्री राम, प्रेमाश्रम से सींचे राम, भरत पर प्रेम की गाथा राम, वरन न सके स्वयं श्री राम। अंगद कहे न जाता राम, अंगद कहे न राजाता राम, करो चरण सेवा श्री राम, सजल नयन बोले श्री राम, किष्किंधा में तेरा काम, सजल नयन बोले श्री राम, किष्किंधा में तेरा काम। सर्गाधिक आए मिल राम, ऋषगण हृदय पटल श्री राम, देख दशा उनकी सुख राम, सबत नयन होते प्रभु राम, सबत नयन होते प्रभु राम, सबत नयन होते प्रभु राम। बहुत बहुत धन्यवाद।